हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज हमारे पास आई हुई है एक्टिवा, तो ये देखिए एक्टिवा है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर मेरे पास लाया है कि भाई इसकी चाबी गुम हो गई है और इसका जो लॉक जो है हमको चेंज कराना है, लेकिन अभी नहीं चेंज कराना है। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये गाड़ी हम घर तक पहुँच जाए, ऐसे घसीट के हम कितनी दूर ले जाएंगे। तो वो घसीट के मेरे पास गाड़ी लाया था, तो घसीट के वो कह रहा था इतनी दूर हम नहीं ले जा सकते, तो इसका कुछ ऐसा जुगाड़ कर दीजिए गाड़ी स्टार्ट हो जाए और हमारे घर तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखें इस वीडियो का गलत उपयोग ना करें। और दोस्तों इसमें हम लॉक तोड़ना नहीं बता रहे आपको, इस वीडियो में हम आपको लॉक तोड़ना नहीं बता रहे, बल्कि एक आपको ऐसी राय ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो कि आपको दिक्कत में परेशानी में काम आ सकती है। जैसा कि स्कूटी वाले भाई साहब के साथ हुआ, वैसा आपके साथ ना हो। आप ये ट्रिक अजमा करके अपनी गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखें अगर आपकी गाड़ी का ये हैंडल लॉक खुला हुआ है, ये हैंडल लॉक ऐसे घूम रहा है, तो ये ट्रिक काम करेगी अथवा नहीं करेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो सारी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए, तो सबसे पहले इसका ये काउल खोल लेते, नाक खोल लेते। नाक खोलने के लिए चार पोई चाहिए, ये खोलने पड़ेंगे, एक और दो और तीन चार नीचे से खोलने पड़ेंगे, ये यहाँ से ये खुलते हैं। तो ये सारे पेज खोल लेते हैं, चारों पेज खोल लेते हैं और ये काउल हटा लेते हैं आगे का, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने पूरा खोल लिया है, खोलने के बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये लॉक की दो तारे हैं। तो दोस्तों ये लॉक की दो तारे हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सी गाड़ियों में होता है कि तारे ऐसे इस तरीके से हम हटा देते हैं, इस तरीके से हटा देते हैं और फिर आपका काम करने लगता है गाड़ी का, एक एक सब काम करने लगता है। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हम हॉर्न बजा रहे हैं और हॉर्न भी नहीं बज रहा है और कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है यही मैं आपको बताऊंगा। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सिंपल सी एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि मैं आप लोगों को पता ही है, और एक तार इसमें लगा देनी है और एक तार हमको इसमें लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, इसको आपस में दोनों तारे आपस में टच कर देनी है, क्योंकि दो तार की जितनी भी गाड़ियां होती हैं, ये एक तार और ये एक तार दोनों में आपस में टच करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगा देना, अब हम आपको दिखाते हैं चेक करके। तो देखिए दोस्तों हम हॉर्न बजा के आपको दिखा देते हैं, ये देखिए हॉर्न भी वर्क कर रहा है और आपका सेल्फ भी वर्क करेगा। ये देखिए दोस्तों गाड़ी में चाबी नहीं है, फिर भी हॉर्न और सेल्फ सब वर्क कर रहा है, लेकिन आपको एक समस्या हो जाएगी कि गाड़ी ये बंद नहीं हो पाएगी। बंद करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से ये तार आपको ऐसे खींचनी पड़ेगी और गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सी ट्रिक थी, कोई भी इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। बहुत से लोग बताते ये कर लो, बहुत से बताते वो कर लो, बहुत से करते ये कर लो, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। सिंपल से आपको ये सॉकेट आपको निकाल लेनी तार वाली, और जो नीचे से सॉकेट आई हुई है, नीचे से वायरिंग से आई हुई है, लॉक वाली नहीं, जो नीचे से वायरिंग से आई हुई है वही वाली सॉकेट में आपको ये तार आपस में ज्वाइंट कर देनी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ज्वाइंट कर देनी जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सिंपल से आपकी एक्टिवा जो है स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों ये ट्रिक आप हर एक एक्टिवा में आजमा सकते हो, कोई भी हो, चाहे 3G 4G हो, कोई भी एक्टिवा हो, बस खाली 6G में नहीं आप आजमा सकते, क्योंकि 6G का जो है, 6G का जो मेथड होता है वो अलग होता है, उसका जो वायरिंग की कनेक्शन होता है वो अलग होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप कोई भी गाड़ी में आजमा सकते हैं एक्टिवा, कोई भी सीरीज हो 6G छोड़ के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।